मॉर्निंग एंड वेलकम टू माई न्यू ब्लॉग। तो आज है संडे, वीकेंड ब्लॉग कर रही हूँ मैं। शार वगैरह सब कुछ ले लिया है हमने मतलब विक्की ने भी ले लिया है, मैंने भी ले लिया है। 12 बजे मिलते छुट्टी के, ये औरत उसको भी बर्बाद कर देती है मेरे साथ। क्यों मेरे को चैन से सोने नहीं देती? पागल लगे मूवी देख के आए हो अपने फ्रेंड के साथ और मुझे बोल रहे हो मैं बर्बाद कर देती हूँ। खुद ने मेरा वीकेंड बर्बाद कर दिया। सो अभी मैं बना रही हूँ पर वाइफ टाइम मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। ये ध्यान से देखिए इस इंसान को, फिर ये भी देखिए और फिर सैटरडे की बात है ये भी देखिए। हैरान हो रहे हैं ना, ये सुबह 4 बजे का ये मैंने स्टोरीज डाली थी। ठीक है खुद तो उठी, मेरे को भी उठाई, खुद ही ने मेहनत करके खुद ही ने बनाई, मेरे को भी खिलाई और फिर खुद जाकर सो गई, मेरे को नींद नहीं आई। तो फिर इसका पूरा दिन खराब हो गया, नींद नहीं पूरी हुई। तो ये मेरे को सुनाया जा रहा है तब से कि मुझे सोने नहीं दिया, मुझे सोने नहीं दिया। जो सोवत है वो खोवत है। ओके तो आज मैं बना रही हूँ रायता, मतलब वैसे रोटी वोटी बन गई है सब, तो मैं बना रही हूँ रायता। तो मैं स्पेशली बना रही हूँ अपनी दोस्त के लिए, निशा के लिए। एक्चुअली वो बहुत ज़्यादा बिजी चल रही है, पहले वो मेरे घर आने वाली थी बट वो शादी है उनके घर में, था एंगेजमेंट है, बट उसके साथ में 2-3 ऐसे अनएक्सपेक्टेड अनअवॉइडेबल इवेंट्स हो गए हैं तो वो सब चीज़ों में बिजी है वो। तो उनको मेरे हाथ का रायता बहुत पसंद है, मैं आज थोड़ा ज़्यादा रायता बनाऊंगी, उनको दे करके आऊँगी, वो खाएंगी। और मैंने कल चिढ़ाने के लिए ना उनको दही पूरी की फ़ोटो भी भेजी थी, तो मैं सोच रही हूँ कि मैं थोड़े से एक प्लेट में ले जाके, कार से तो जा रही है, वो भी लेके जाऊँगी उनके लिए। नॉर्मली लोग क्या करते हैं बताओ रायते के साथ? क्या करते हैं? फैलाते हैं। मेरी बीवी सबसे अच्छी चीज़ क्या बनाती है? रायता। चलो गाइस तो मैं आपको अपनी रेसिपी बताती हूँ कि मैं कैसे रायता बनाती हूँ। चलिए दोस्तों तो आपको मैं अपने रायते की रेसिपी बताती हूँ, बहुत ही ज़्यादा सिंपल है। यहाँ पर हमने फ्रेश दही लिया है, इसको आपको अच्छे से विस्क करना है विस्कर की हेल्प से, एंड बिल्कुल लम्ब्स कुछ भी नहीं होने चाहिए। और उसके बाद विस्क करने के बाद जब ये अच्छे से पूरा सेम कंसिस्टेंसी का हो जाएगा तब हम इसमें पानी ऐड करेंगे। तो वो आप अपने अकॉर्डिंग, आपको कितना पतला चाहिए कितना गाढ़ा चाहिए वैसा आप ऐड कर सकते हैं। तो वाटर यहाँ पर हम ऐड कर देंगे। अब हम इसमें ऐड करेंगे काला नमक, आपके टेस्ट के अकॉर्डिंग आप काला नमक ऐड कर लीजिए। काले नमक के साथ यहाँ पर हम भुना हुआ जीरा पाउडर, घर पे ही बनाया है मैंने, उसको ऐड करेंगे अच्छे से। ये सब आपको आपके टेस्ट के अकॉर्डिंग ऐड करना है। और साथ में मैंने यहाँ पर ऐड करी है शुगर, थोड़ा सा और मैंने भुना जीरा पाउडर ऐड कर लिया है और फिर शुगर ऐड करी है। मैं ब्राउन शुगर यहाँ पर यूज़ कर रही हूँ, तुरंत बिल्कुल डाइल्यूट हो जाती है ये जिस भी चीज़ में होती है, प्योर फॉर्म ऑफ शुगर है ये, मतलब रिफाइंड नहीं होती है या अनरिफाइंड होती है। यहाँ पर मैंने हरी मिर्ची ली है और कड़ी पत्ता लिया है और अब मैं इसका तड़का लगाऊंगी, जो मेन टेस्ट है वो इसी चीज़ का आने वाला है रायते में। नाउ अब तड़का पैन में तेल डाला है बिल्कुल जरा सा और उसमें हमने राई डाल दी है। अब जब तक राई तड़कना स्टार्ट होगी उसके बाद मैं यहाँ पर हींग डालूंगी, तो ये सब पेट के लिए बहुत ही अच्छा होता है, और थोड़ा सा जीरा और डालूंगी। और अब यहाँ पर मैं डालने वाली हूँ जो कड़ी लीव्स है वो, और साथ ही साथ हरी मिर्ची। अब इसको थोड़ा सा ठंडा होने देंगे, हमको डायरेक्टली ऐड नहीं करना है, अगर आप डायरेक्ट ऐड करोगे तो आपका जो दही है वो फट जाएगा। थोड़ा इसको कूल डाउन होने दीजिए और कूल डाउन होने के बाद हम इसको हमारे दही में ऐड करेंगे। मैं यहाँ पर काला नमक और ऐड कर रही हूँ, मैंने बोला ना आपके टेस्ट के अकॉर्डिंग अब आपको उसको जो भी टेस्ट है वो बनाना है। और यहाँ पर मैं पुदीने की लीव्स ऐड कर रही हूँ, बहुत अच्छा टेस्ट आता है, पुदीना बहुत ठंडा करता है पेट को, तो गर्मियों में तो रायते में मिला करके पुदीना खाना ही चाहिए। और मैं तो हर चीज़ में पुदीना मिलाती हूँ, आलू की सब्ज़ी वगैरह सब में बहुत अच्छा लगता है मुझे पुदीना इन जनरल भी। तो मैंने यहाँ पर पुदीना मिलाया है और मुझे अभी थोड़ा कम लग रहा है तो मैं थोड़ा सा और पुदीना ऐड करूँगी। और यहाँ पर मैंने कोरिएंडर लीव्स भी थोड़ी सी ऐड करी है, इन सब का टेस्ट बहुत अच्छा आता है। और लास्ट में हम यहाँ पर जो बूंदी होती है, मार्केट से मैं बूंदी लेकर के आती हूँ, बहुत सारे लोग घर में बनाते हैं, तो वो बूंदी ऐड कर दी है और हमारा जो रायता है वो ऑलमोस्ट रेडी हो चुका है। तो ये दही पूरी मैं लेके जा रही हूँ, साथ में ये रायता है, ये चटनी है और ये पानी पूरी का पानी है, सब लेके जा रहे हैं वहीं पे उनके घर पे,
खाएंगे गपागप गपागप। क्यों बोल रही हूँ, मैंने कहा पता चले वहाँ जाके पानी पूरी ऐसी चीज है कि यू कैन नॉट स्टॉप योर सेल्फ, पता चले वहाँ हम भी खा रहे हैं गपागप। भैया बोलेंगे सालो हमारे लिए लेके आए हो, खुट्टू से जा रहे हो। ये मतलब कितना बढ़िया है, मतलब ऐसा कोई करा है क्या आज तक, मतलब कि लेके उसके लिए गया और खुद खा के आ गया वहाँ। विक्की कर सकता है ऐसी हरकतें बस। अभी हम लोग आए हैं डीमार्ट, थाली जो ली थी वो रिटर्न करने के लिए, एंड देखते उसके बदले में क्या लेते हैं। जब डीमार्ट से ग्रॉसरी लेकर के गया था तो वो ये इस तरीके की थाली लेके आया था जो कि बिल्कुल अच्छी नहीं लग रही थी, तो मैंने वो वापस करवा दी। उसके बाद फिर हम लोग हमारे घर के पास में एक गौरव स्वीट्स है, काफ़ी फेमस है थाने में ये, उनके यहाँ से कुछ थोड़े बहुत स्नैक्स लेते थे मंचन करने के लिए, तो वो हम लोगों ने लिए। अभी शाम हो चुकी है तो अभी मेरे जो फ्रेंड्स हैं वो आने वाले हैं, निशा और भैया आ रहे हैं एक्चुअली, तो वो लोग एक्चुअली कुछ काम से आ रहे हैं, कार्ड्स डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए, एंगेजमेंट के जो कार्ड वार्ड होते हैं ना वो। मैं क्या बना रही हूँ, ढोकले बना रही हूँ फटाक से, रख देते हैं बनाने के लिए, वही थोड़े बहुत मैं भी खा लूँगी, मेरा भी मन कर रहा है खाने का, तो लेट्स मेक ढोकला। तो ढोकले की रेसिपी मैं बहुत बार शेयर कर चुकी हूँ बट मैं फिर भी बता देती हूँ, तो आप चाहें तो बैटर ले सकते हैं मार्केट वाला और चाहें तो आप बेसन से भी बना सकते हैं जिससे भी आपको कंफर्टेबल लगे। तो यहाँ पर मैं बेसन से भी बना लेती हूँ और बैटर वाला भी बना लेती हूँ, बट यहाँ पर मैंने बैटर वाला बनाया क्योंकि मेरा बेसन ख़त्म हो गया था। तो आपको बस फटाफट से जो बैटर होता है उसमें पानी डालना है, थोड़ा सा सॉल्ट डाला है मैंने और पानी डाला है, उसके अलावा कुछ नहीं डाला है। बाकी जो मेन टेक्निक होती है ना वो इसको अच्छे से विस्क करने की होती है, जिस डायरेक्शन में आप विस्क कर रहे हैं आपको सेम डायरेक्शन में पूरा बैटर वैसे ही विस्क करना है, और बहुत जल्दी जल्दी विस्क करना होता है। और मुझे ये रियलाइज़ हुआ कि मैंने बहुत छोटा बर्तन ले लिया है, ये अभी और फूलेगा तो इसमें से बाहर आ जाएगा, तो मैं क्या कर रही हूँ थोड़ा सा दूसरे बर्तन में डिवाइड कर रही हूँ, तो यहाँ पर मैंने दूसरे बर्तन में थोड़ा सा ट्रांसफ़र कर दिया है। अब मैंने और पानी मिलाऊंगी और इसको अच्छे से विस्क करूंगी, तो पानी अच्छा मिलाना चाहिए ताकि जितना पानी मिलाओगे और अच्छे से विस्क करोगे उतने ढोकले आपके एकदम सॉफ्ट बनते हैं। अब मैंने यहाँ पर कुकर लिया, ये मेरा 4 लीटर वाला कुकर है, इसमें मैंने पानी भर दिया है और जो रखने का बर्तन रखने का स्टैंड होता है ना हॉट स्टैंड, वो मैंने रख दिया है इसके अंदर, और इसको मैं प्री हीट करूँगी और उसके अंदर अब मैंने ये जो अपना बर्तन है जिसमें ढोकले का बैटर है हमने पेस्ट बनाया है उसको रख देंगे, दैट्स इट। अब जो मेन इसका पूरा टेस्ट है वो तड़के से आएगा, तो यहाँ पर मैंने इसको बंद करके रख दिया है, और सीटी जो होती है ना कुकर की वो विसल आपको निकाल देनी है बस। अब इसको बिल्कुल स्लो कुक करना होता है। नाउ तड़के के लिए अब हम लोगों ने तेल डाला है, यहाँ पर मैंने तिल डाला है पहले, और तिल से ना बहुत अच्छा टेस्ट आता है, तो तिल डालने के बाद यहाँ पर मैंने राई डाल दी है। अब जब ये दोनों चटकेंगे बढ़िया तरीके से तब हम इसमें बाकी चीज़ें डालेंगे, तो यहाँ पर मैंने कड़ी पत्ता डाला है और साथ में हरी मिर्ची डाली है, बस इतना ही चीज़ें डाला है। इनको हल्का सा 1 मिनट के लिए बस फ्राई होने देना है, उसके बाद गैस बंद करके आप इसमें पानी ऐड कर दीजिए, वापस गैस ऑन कर दीजिए, थोड़ी सी शक्कर ऐड करी है मैंने और यहाँ पर लेमन वाटर ऐड करा है क्योंकि हमने सॉल्ट डायरेक्टली पेस्ट में मिला दिया था, तो इसमें हमने सॉल्ट ऐड नहीं किया। गाइस आपको दिख रहा है ढोकला? बोलेंगे ये पापी औरत गाइस मुझे इतना क्यों बनाई रे भाई, हम भूखे रहेंगे क्या? ये बाजरा जो वाले को भी बांट रहे हो? नहीं ये चिप्स रख देना थोड़ा, ये तो गपा गप निशा ये ऐसे खिला जाते हैं? नहीं भैया बहुत सॉफ्ट है ये, आज हमने गपा गप। सुनो कोई सोडा नहीं कुछ नहीं है, तुम कुकर में बना लेती हो? हाँ
यहाँ कलर भी कितना शानदार है। आज मेरा किचन कितना मचा हुआ, ये मैं खाना बना रही। अरे यार तुमने मेरा सवेरे किचन नहीं देखा था? माशाल्लाह सुभान अल्लाह। तब काम करते तो मचता है। पानी हाँ, पहले बघार लगाया पानी पहले, में नहीं पहले तेल में बघार लगाते हैं हाँ। फिर उसके बाद अपना जीरा ये सब डाला हाँ। देखो वो भी डाली है मैंने, ये वाइट वाइट क्या होता हाँ, 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 समझ गई हाँ, हाँ, तिल तिल हाँ, डाली है, तिल का मेन टेस्ट होता हाँ, है इसका। तिल डाली, राई डाली और बस उसको होने दिया, थोड़ा सा पानी डाल दिया और थोड़ा सा शक्कर डालते हो, नींबू डालते हैं। अच्छा, इतना मीठा मिर्ची सब टेस्ट डाला। अच्छा, पानी थोड़ा सा डाल देना। हाँ, हाँ, तो तेल में टिटरी आवाज आएगी ना। हाँ, वो तो कंपलसरी है। ओके गाइस, तो मेरे जो फ्रेंड्स हैं वो चले गए हैं और हम लोगों ने मस्त खा पी लिया। अब टाइम हो रहा है 10:48, तो सोते हैं क्योंकि कल है मंडे, कल से वापस भागा दौड़ी स्टार्ट। तो यस, अब मैं आप लोगों से कल मिलती हूँ। अभी जा रही हूँ, आज व्लॉग स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग। आज हम जा रहे हैं ऐसे ही शॉपिंग पे, विव्याना जा रहे हैं। तो हम लोग लास्ट आई थिंक 2-3 months से मैं विव्याना गई ही नहीं हूँ। हम लोग जब से इधर शिफ्ट हुए ना इस घर में, मैं बहुत विव्याना, वैसे हम इस घर में रहे ही कितना है हाँ, इधर शिफ्ट हुए ना तो यहाँ से विव्याना थोड़ा ना दूर हो गया है। मतलब पहले मैं विव्याना से थोड़ा पास रहती थी, मेरे घर से विव्याना मात्र 5 kilometers या 6 kilometers था। अभी मैं जहाँ रहती थी वहाँ से मैं 3-3.5 kilometers और अंदर आ गई हूँ, तो अब ये 10 किलोमीटर टाइप हो गया है, 9.5-10 kilometers हो गया है। फिर बीच में ट्रैफिक वैफिक भी रहता है तो बहुत, और फिर हम यहाँ जहाँ रह रहे हैं यहाँ सब कुछ है, मतलब आसपास यू गेट एवरीथिंग, तो इतना जाना होता भी नहीं है। अभी हम जा रहे हैं तो लिस्ट बना के जा रहे हैं कौन कौन से जगह पर जाना है एंड ऑल दैट, तो इसके लिए मैं आना जा रहे हैं। तो अभी फटाक से रेडी होती हूँ उसके लिए। एज है ना, अभी हम 3-3:30 तक निकलेंगे, तो एकदम कॉटन के समरी क्लोथ्स पहनने वाली हूँ मैं, जो बिल्कुल ठंडक दें इसमें। तो मैं चेंज करती हूँ फटाक से और फिर आप लोगों से मिलती हूँ। बहुत सारा सनस्क्रीन लगाऊंगी मैं, ये लगा रही हूँ एक्वालॉजिका का। मैं थोड़ा रेडी होती हूँ, चेंज करती हूँ और फिर आपसे मिलती हूँ। रेडी, आई एम वेयरिंग दिस ब्यूटिफुल कुर्ता सेट। ये है इतना एयरी एंड ईजी ब्रीजी सा है ये, एंड बहुत अच्छा लग रहा है, पतला पतला सा लग रहा है मुझे। मुझे बस थोड़ा सा परफ्यूम और लगाना है। गाइस सो लेट्स गो, चलिए चलते हैं विव्याना, देखते हैं क्या लेके आती हूँ। लाइट्स वगैरह खोल के जाती हूँ क्योंकि मुझे पता है आते टाइम मुझे लेट हो जाएगा। सो या लेट्स गो। दोस्तों तो पहुंच गए हैं हम लोग विव्याना, मेरे बाल ऐसे क्यों लग रहे हैं, पहुंच गए हम लोग विव्याना मॉल और चलिए देखते हैं क्या क्या लेना है। तो मेरा ना बहुत दिन से अच्छे शेड्स लेने का मन है, बट मैं हर बार जाती हूँ अपने फ्रेंड्स के साथ और मैं छोड़ के आ जाती हूँ ये सोच के कि ये मेरे बजट के बाहर हो रहा है। तो मुझे सबसे ज़्यादा जो पसंद आए वो प्राडा के आए थे, बट अनफॉर्चुनेटली वो कुछ ज़्यादा ही एक्सपेंसिव थे और मेरा मन ही नहीं मान रहा था इतना एक्सपेंसिव शेड्स पर खर्च करने का। एंड यहाँ पर मैंने गैस का एक बैग देखा था ना छोटू सा, ये इतना एक्सपेंसिव था, ये 8,000 का था और इसी गैस का ही दूसरा बैग था जो कि 9,000 का था। तो मुझे लगा यार ये बड़ा बैग क्या बुरा है, मतलब 8,000 का वो बैग कौन लेगा जिसमें कुछ चीज़ नहीं आने वाली है। फिर हम लोग रैंडमली ऐसी कुछ चीज़ें देख रहे थे, निशा को उनके हस्बैंड को देने के लिए कुछ कुछ वॉलेट वगैरह चाहिए था, तो हम फॉसिल का वॉलेट वगैरह देख रहे थे। उसके बाद रैंडमली हमने बहुत सारी चीज़ें देखी। जिस दिन हम शॉपिंग पे निकलते हैं उस दिन हम लंबा निकलते हैं, तो हमको बहुत देर यहाँ पर हो गई थी। उसके बाद यहाँ से फिर हम लोग हमारे एरिया में भी वेस्ट साइड है वहाँ पर भी चिल मारने के लिए गए, तो मैं क्रॉकरी वगैरह देख रही थी। मुझे स्टील की क्रॉकरी टू बी वेरी ऑनेस्ट ज़्यादा अच्छी लगती है एज़ कम्पेयर टू जो इसकी क्रॉकरी होती है ना। ये देखो कितना क्लासी लग रहा है सब कुछ, बट फिर मुझे यही लग रहा था कि मैं क्या करूँगी इन चीज़ों का, कहाँ रखूँगी इन सबको, रख के स्टफिंग करने का कोई मतलब है नहीं। बट मुझे ये बहुत पसंद आया था, ये जो सर्विंग वाला है ना बहुत ही अच्छा लगा था और इतना ज़्यादा एक्सपेंसिव भी नहीं था, ये 1500-1600 कुछ का था, बट वर्थ इट लग रहा था। और ये पूजा थाली है देखिए, लग सब कुछ बहुत सुंदर सुंदर रहा था, ऐसा लग रहा था सब ले लो, बट वही है। अब ये क्रॉकरी आप देखो और जो स्टील की क्रॉकरी है, स्टील की क्रॉकरी का कोई तोड़ नहीं है, जो अच्छी क्लासी वाली होती है ना ये सब उसके सामने फेल है, और मेंटेनेंस भी ईजी रहता है स्टील वाले का।
उसके बाद फिर हम लोग निकल गए वन स्टॉप, हम लोगों को लंच बॉक्स के डब्बे लेने थे तो वो देखने के लिए, फिर हमको कांसे के बर्तन दिख गए तो हम वो देखने लग गए, मतलब हम टीपी कर रहे थे इन शॉर्ट बताऊँ तो, टाइम पास लेना इतना नहीं था बट बस ऐसे ही सब चेकआउट कर रहे थे, वही तो मज़ा आता है विंडो शॉपिंग करने में, हमने कुछ चीज़ें ली भी है ऐसा नहीं है बट सब घूम रहे थे। एंड उसके बाद वन स्टॉप चेकआउट करने के बाद हम लोग गए होम सेंटर और वहाँ पर भी हमने सारा कलेक्शन देखा डेकोर का, बट एट दी एंड हम एंड अप इसी चीज़ में होते हैं कि घर को लग तो सब बहुत सुंदर है बट घर को बहुत स्टफिंग भी करना इज़ नॉट मेकिंग एनी सेंस। फिर मैंने क्रॉक्स के ये वाले फुटवेयर्स लिए और साथ में मैंने एक बहुत अच्छा लिनन का कुर्ता सेट भी लिया है जो कि मैं आपको दिखाऊंगी आगे कि मैंने क्या लिया है, मज़ा आ जाएगा वो सेट देखने में, थोड़ा एक्सपेंसिव है बट वर्थ बाइंग है। और उसके बाद मॉल से निकलने के बाद हम निकल गए वेस्ट साइड के लिए हमारे घर के एरिया में ही। गाइस तो अब हम लोग निकल गए हैं वेस्ट साइड के लिए, सो यस लेट्स गो। दोस्तों तो हम लोग आ गए हैं द वॉक और यहाँ से यहाँ से हम लोगों ने बहुत अच्छे अच्छे वेस्ट साइड पर ना इस बार समर कलेक्शन आया है कुर्ते का स्पेशली, तो एक एक कुर्ता हम लोगों ने लिया है जो कि मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। ऑल्दो मैं बहुत कुर्ते पहनती नहीं हूँ बट मुझे थोड़ा ये वाला तो नहीं लिया मैंने, ये मुझे बहुत लूज लग रहा था जबकि मैं एक्स्ट्रा स्मॉल साइज ट्राई कर रही हूँ, बट इसका पैटर्न ही ऐसा था, मैंने दूसरा कुर्ता लिया है। निशा ने मेरे लिए बहुत अमेजिंग सा गिफ्ट लिया है और मैंने निशा के लिए बहुत अमेजिंग सा गिफ्ट लिया है, रुचि द ग्रेट, और ये है फ्रॉम निशा टू डार्लिंग रुचि यू आर बेस्ट। अभी हम आए हैं आंटी के घर पे तो ना एक बाइक वाला निकल के बहुत तेज आ रहा था तो निशा बोली ये कौन रेस दिया बहुत तेज है ना, तो निशा बोली ये भाई पागल है क्या, और मैं तो सीधे एक वर्ड बोलती हूँ ठीक है, मैंने कहा ये कौन है अखंड और आगे चल, मतलब बस अपना एमपी वाला टोन बोल दिया मैंने, तो निशा पैसी में वो चलो भाई। हमारे ड्राई फ्रूट्स पैक हो गए और ये हमारी टोकरी है जो हमारे पास ही आएगी। एक और पैकिंग हो गई है, ये नई टोकरी, इसको हमने पैक कर दिया है, चलो भाई अब हम बड़ा खाएंगे। ओके गाइस तो आपको बता देती हूँ कि मैंने घर में क्या क्या चीजें चेंज करी है ताकि आपको पता लग जाए। तो इफ यू रिमेम्बर आप यहाँ डाइनिंग एरिया में स्पेस देखेंगे ना, तो जो यहाँ पर हमारी यूनिट थी DIY जो हमने पुराने डाइनिंग टेबल को कन्वर्ट किया था, वो यूनिट हमने यहाँ से हटा दी है और डाइनिंग टेबल को दीवार से चिपका दिया है। वो इसलिए भी किया है क्योंकि यहाँ बैठ के हम खाना खाते ही नहीं है, ये हमारा बस ऐसे ही रखा ही रहता है, क्योंकि ऊपर आप देखोगे तो अभी भी फ़ैन नहीं है, हमारा अभी भी यही कन्फ्यूजन चल रहा है, विक्की को यहाँ पे कुछ और चीज़ लगानी है और मुझे यहाँ पे सिंपल फ़ैन लगाना है, हमको छोटा मोटा काम भी करवाना है घर पे एक बेसिक सा जब हम इकट्ठा सारा काम करवाएंगे, तो वो अभी खाली जगह है तो इसलिए यहाँ पे बहुत गर्मी लगती है तो यहाँ बैठने का सवाल ही नहीं पैदा उठता है। नाउ इफ यू लुक एट दिस एरिया बहुत स्पेशियस हो गया है ना, यहाँ पर हमने हमारा वही जो एज इट इज़ जो था वो वहीं यहीं रखा हुआ है। उसके बाद आते हैं तो ये जो हमने यूनिट है ना वो इधर रख दी है, तो गेट से आते से ही ये वाली यूनिट आती है तो अच्छा लग रहा है, मतलब मुझे ये चेंज इट्स लुकिंग गुड बिकॉज ये जो एरिया है ना एट दी एंड कोई यूज़ में नहीं था और अभी भी ये कोई मतलब ऐसा रखा गया है तो ऐसा लग नहीं रहा है कि बहुत भर गया या स्टफिन हो गया है, और उस पर मैंने कुछ बेसिक सी ऐसी चीज़ें रख दी है। यहाँ पर हम लोगों का जो मेरे को एक मेरे सब्सक्राइबर ने भेजा था बहुत ही सुंदर आर्ट है ये लगाया हुआ है, घर में जो भी गुस्सा ना वो पूछता है किसने बनाया ये, बहुत सुंदर लगता है। और एक होम रख दिया है, फिर हैव अ कप ऑफ पॉजिटिविटी, साथ में एक प्लांट रख दिया है, कैंडल रख दी है और एक गोल्डन वास रख दिया है, और इस तरीके से मैंने इसको डेकोरेट किया। ये भी मेरा बहुत पुराना है, मैंने अपने 1BHK में ना गोल्डन थीम का मेकओवर किया था तब मैं ये खरीद के लाई थी, तो ये काफ़ी पुराना है एंड इट इज़ लुकिंग परफेक्ट हियर, तो ये अब इस तरीके से लग रहा है। बाकी यहाँ पर मैंने कोई चेंजेस नहीं करे, ये सब एज इट इज़ वही है।
वही चल रहा है ये, और ये हमारा सेंटर टेबल एंड दैट्स इट। तो मतलब मुझे अब ऐसा लगता है कि ये स्पेस नाउ इट्स लुकिंग मच बेटर इफ़ यू सी हियर। मेरा एक और मन था कि ये जो यूनिट है ना, ये हम इधर पे भी रख सकते हैं यहाँ पे, और इसकी चेयर की जगह मैं आपको बताऊँगी, तो वो मैं अब नेक्स्ट जब भी मेकओवर करूँगी ना, तब मैं थोड़े चेंजेस और करूँगी, मंदिर को मैं शिफ्ट कहीं और करूँगी, और यस इस तरीके से कुछ चेंज करेंगे। तो आप लोग बताइएगा ज़रूर कैसा लगा आप लोगों को ये चेंज। आज का वीडियो मैं यहीं ख़त्म करती हूँ। वीडियो पसंद आया है देन डू नॉट फॉरगेट टू हिट द लाइक बटन, सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड कॉमेंट डाउन बिलो। सी यू इन माई नेक्स्ट वीडियो, टिल देन बाय।